आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कैंडल बुझा दी। सुनियो, तुम्हें इन लोगों से भी बर्थडे की विश मिली है, देखो। वाह डैड, आप तो बहुत सारे लोगों को जानते हैं। एक बात तो बताओ, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? दरअसल डैड, मैं एक बहुत बड़ा फैशन डिजाइनर बनना चाहता हूँ। वो तो ठीक है, पर क्या तुम्हारे पास तुम्हारे बनाए कुछ डिजाइन हैं? जल्दी से बताओ। क्या सच में? मेरे पास अपने कुछ डिजाइन भी हैं जो मैंने बनाए हैं, क्या आप देखना चाहेंगे? हाँ, मेरा एक दोस्त है इटली का जो एक फैशन डिजाइनर है। तो फिर एक काम करते हैं हम लोग, ये बताओ क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? बोलो, और फिर हम तुम्हारे डिजाइन उसको दिखाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात तो है, उससे पहले हमें तुम पर काम करना होगा। क्या सच में? जगह तो बहुत अच्छी है। अरे वाह, वेलकम। क्या तुम्हारा नाम सुनियो है? सुनियो, हो गया, मैंने एकदम हट के हेयर कट किया है। तुम्हारा क्या ख्याल है, जरा देखो। हे नोबिता, जरा एक मिनट इधर तो आना। ये क्या है? क्या हुआ? नहीं नोबिता, देखो नोबिता, अगर रास्ते पर केले का छिलका पड़ा हो तो तुम्हें गिरना नहीं चाहिए। मैं अपने डैड के नए कैमरे का इस्तेमाल करना चाहता था इस प्यारे से मौके की फोटो के लिए। अभी गिरो जल्दी। मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम गिरे नहीं तो मैं एक फोटो कैसे खींच पाऊंगा? और अगर कहीं फोटो अच्छी नहीं खींची ना, तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। अब मैं जियान के लिए अलग सी फोटो का सीन कहाँ से लेकर आऊँ? मैं चाहूँ भी तो भी ऐसा नहीं हो सकता। अरे सुनियो, ये क्या कर रहा है? सुनो नोबिता, तुम्हारे सर को क्या हो गया? सुनियो, क्या? कुछ भी नहीं नोबिता। बताओ तो क्या हुआ? वो बात ये है कि, अरे ये कैसे हुआ? मैं एक हेयर स्टाइलिस्ट के पास गया था, उसने ऐसा किया। मैं जा रहा हूँ। वो तो है। क्या कहा, सुनियो के बाल अजीब लग रहे हैं? ये तो अच्छी खबर है ना? ये मजेदार लगता है, इसकी फोटो तो जरूर लेनी चाहिए। मैं जा रहा हूँ। मैं भी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद को किसी और को नहीं देखने दूंगा। जल्दी से जाकर मुझे बालों को ठीक करवाना है। क्या, ये तो आज बंद है, अब मैं क्या करूँ? सुनियो मेरे दोस्त, ये क्या कर रहे हो? ये तुमने अपना सर ऐसे क्यों ढक रखा है? नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। अच्छा, तुम ये अपने हाथ में कैमरा क्यों लेकर घूम रहे हो? दरअसल मैं तो ये कैमरा मैं नहीं देखने दूंगा। लगता है किसी को भी हेयर कट नहीं दिखाना चाहता। अच्छा तो फिर मैं अपनी नाक पर लगाकर उसकी स्मेल का पीछा करो। फिर मैं जिस इंसान को ढूंढ रहा हूँ मुझे मिल जाएगा।
ये ढूंढ किसको रहा है? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ गया है? वो शायद इस तरफ गया हो। मुझे जल्दी से अपने बालों का कुछ करवाना पड़ेगा। अरे ये लोग फिर आ गए, कहाँ जाऊँ? वो शायद यहाँ है। अरे सुनियो, नहीं मानेंगे, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैं उसे माफ नहीं करूंगा। एक फोटो की तो बात है, वो क्यों नहीं खिंचवा रहा? समझ नहीं आ रहा। अरे वो रहा, तो तुम यहाँ हो? एक मिनट रुक जाओ, मैंने सब कुछ सुना, पर सुनियो के लिए मुझे बुरा लग रहा है। सही कहा, सही कहा। सुनो नोबिता, तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मुझे बचाने के लिए तुम सबका शुक्रिया। क्योंकि तुम्हारे बाल थोड़े अजीब से थे, बस इसीलिए। सुनियो, हाँ सही कहा, बाल तो दिखाओ। शर्माओ मत, हमें दिखाओ। डरो मत, हमें दिखाओ। नहीं बिल्कुल नहीं। अरे नहीं, वो हमें नहीं मिल रहा जियान। चुप रहो, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। जाओ जाकर डोरेमोन से कोई ऐसा गैजेट लेकर आओ जो वो कपड़ा हटा दे, समझे? सुनियो का, इस काम के लिए तुम्हारे पास कोई गैजेट नहीं है। ये रोबोट चलाकी से कोई भी कपड़ा हटा सकते हैं। ये तेज हवा और तेज गर्मी देने का काम करते हैं। मैं इन्हें ले जाऊं? हाँ जरूर, इनको साथ ले जाओ। इनकी मदद से तुम सुनियो को आसानी से पकड़ लोगे। लेकिन ये कपड़ा हटाने की बात क्यों कर रहा था? सुनिए अंकल, अरे ये वो नहीं है। सुनिए अंकल, सुनिए अंकल, मेरी बात सुनिए अंकल। नोबिता तैयार हो जाओ। चीज है, अरे ये वो कह रहा है। अरे सुनियो, क्या तुम ठीक हो? टीप लगाओ, वो कपड़ा नहीं उतार रहा। काम पूरा करने से पहले नहीं